जय श्री राम, जय गो माता। मैं गौ सेवक उत्तर प्रदेश योगी राकेश नाथ, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि देखिए ये मंदिर है, ये नेहरू पार्क के अपोजिट है और मैं ये देखता हूँ यहाँ पे हैंडीकैप्ड लोग रहते हैं और गरीब असहाय लोग रहते हैं। और मैं अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूँ, जो आप अरविंद केजरीवाल जी जो आप बोल रहे हैं कि जो बिजली का बिल नहीं भर सकता उनका हम बिल भरेंगे, फार्म भरें, ये भरें, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिनके पास मकान है वो हर चीज़ में सक्षम है। मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री को और दिल्ली की सरकार को कि इस तरीके के जो असहाय विकलांग लोग बैठते हैं रोडों पे और ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इनकी तरफ ही पढ़ाई गई है, देश का भविष्य है। और देखिए बहुत शर्म की बात है, देश की राजधानी दिल्ली में देश का भविष्य देखो रोडों पे मांगने को मजबूर है। देखिए छोटे छोटे बच्चे जिनको स्कूल जाना चाहिए सुबह से वो रोडों पे मजबूर है। तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार से मैं अपील कर रहा हूँ कि ऐसे बच्चों की जिनके ऊपर छत नहीं है, जिनके पास पढ़ने को कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, जो रोडों पे बैठ के भीख मांग रहे हैं सुबह शाम, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे गरीब असहाय विकलांग लोगों के लिए दिल्ली सरकार आगे आए, इनके लिए रैन बसेरे का निर्माण करे और इनके लिए बच्चों के पढ़ाई का निर्माण करे। देखिए मैं बोलना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? मोहम्मद उस्मान। उस्मान, ये बताइए आप कहाँ यहीं रहते हैं, मंदिर के बाहर ही रहते हैं ना? मंदिर में हमारा घप्पा में बाहर रहता है। तो आपको कोई दिल्ली सरकार से कोई सुविधा मिली? नहीं मिला। आप क्या चाहते हो दिल्ली सरकार से सुविधा? मैं चाहता मेरे को राशन पानी मिल जाए। राशन पानी और राशन पानी मिल जाए, पेंशन मिल जाए। पेंशन मिल जाए? कुछ भी नहीं मिल रहा आपको? नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम पेंशन दे रहे हैं, राशन पानी दे रहे हैं और कोई किसी को आप लोगों को नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। देखिए किस तरीके से बुजुर्ग महिला, आपको पेंशन मिला? कोई सुविधा मिल रही है? कागज नहीं बना रहा? हाँ। अच्छा पैसा मांगते हैं वहाँ जाते तो? पैसा मांगता है। बताओ आपको कोई पेंशन नहीं मिल रही? देखिए देश का भविष्य देखिए, ये देखो कितने मजबूर असहाय रोड पे बैठे। मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली सरकार को, भाई आप लोगों को कोई सुविधा मिल रही है दिल्ली सरकार से? कोई सुविधा नहीं मिल रही। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये वीडियो बना के मैं किसी की शिकायत नहीं करना चाह रहा, मैं अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सरकार कहना चाहता हूँ, इस तरीके की असहाय विकलांग बुजुर्ग महिलाएं परेशान है दिल्ली में, छोटे छोटे बच्चे रोड पे मांगने को मजबूर है, इनकी मदद के लिए दिल्ली सरकार आए और इनका ज्यादा से ज्यादा इनके लिए सहयोग करे। और देखिए बहुत मैं दिल्ली सरकार को बताना चाहता हूँ, देश का भविष्य देखिए किस तरीके से रोड पे बैठ के भीख मांग रहा है। मैं कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से, अरविंद केजरीवाल जी से, कि ऐसे गरीब असहाय विकलांग और छोटे बच्चों के लिए ये देश का भविष्य है, इनके लिए कुछ ना कुछ सोचें और उनका सुधार करें। जय श्री राम, जय गो माता।